सत श्री अकाल फ्रेंड्स, स्वागत है थोड़ा पंजाबी रसोई विच। आज आप बना के तैयार करांगे केक। ये केक आप सूजी का बनावांगे ते इहदे विच आप ना मैदा यूज करांगे ते ना ही ओवन। आप इनू गैस से बनावांगे कुकर दे विच। बहुत ही सौखे तरीके नाल बना के तैयार करांगे ते बहुत ही स्वाद बन के तैयार होगा। केक बनाने वास्ते सब तो पहला आप एक मैक्सी जार लेना है। ये आप एक कप सूजी का पावे। तुम कोई भी सूजी ले सकते हो, मोटी या बरीक। उस कप नाल मिण के आप जो अद्धा कप है वह खंड का पा लेना। ये फ्रेंड्स, मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ, इस करके मैं इतने कोको पाउडर पा रही हूँ। जेकर तुम चॉकलेट केक नहीं बना तो तुम कोई भी फ्लेवर जोड़ा है वो इतने ऐड कर सकते हो, जिमें कि वनीला। एक टीस्पून जड़ा है वह बेकिंग पाउडर लवेंगे तो अद्धा टीस्पून जड़ा आपां वह बेकिंग सोडा लवेंगे। जेकर तुसी बेकिंग सोडा जां बेकिंग पाउडर नहीं पाना चाहते तो तुसी इस दी जगह ते इनो का इस्तेमाल कर सकते हो, पर जड़ी इनो आ वह इस टाइम नहीं पानी, लास्ट से पानी है जो अपना घोल बन के तैयार हो जाए। हुण आपां इनू एक बार पीस लवेंगे तो इन्हों का फाइन पाउडर बना लवेंगे। फ्रेंड्स, अपना केक लई जड़ा पाउडर सी वह बन के तैयार हो गया है। वो इस तरह का होना चाहिए है। थोड़े थोड़े सूजी के दाने जड़े थोनू रड़कणगे, इस करके उहदा कोई गल नहीं है, पर जड़ी खंड है वह विच नहीं दिखनी चाहिए। हुण आपां एक बाउल लवेंगे। जिहड़े कप नाल आपां सूजी ते खंड लई सीगी उसे कप का अद्धा कप जड़ा है वह आपां दही का लैना है। 1/4 कप जड़ा है वह आपां इत्थे तेल लवेंगे। इस गल का आपां ध्यान रखना है कि जिहड़ा आपां तेल लेना है वह स्मैल वाला नहीं लेना। जिवें आपां इत्थे रिफाइंड ऑयल लै सकते हैं जां बदामां दा तेल लै सकते। मैं इत्थे 4-5 ड्रॉप वनीला एसिड ऐड किया है। जेकर थोड़े कोल है तां तुसीं पा सकते हो, जेकर नहीं है तां तुसीं स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपां ऑलरेडी चॉकलेट फ्लेवर बना रहे हैं। हुण आपां इन्हां तिन्नां चीज़ां नूं चंगी तरह मिक्स कर लेना है। चंगी तरह फेंटना है जदों तक कि तेल ते दही जिहड़ा है आपस दे विच मिक्स नहीं हो जाते। देखो फ्रेंड्स, तेल ते दही जिहड़े है आपस विच बिल्कुल मिक्स हो चुके ने। इहदे विच तेल आपां नूं किते भी नज़र नहीं आ रहा। हुण जिहड़ा आपां बरीक पीस के पाउडर बना के तैयार किया सीगा वह आपां अपने कोल विच पा लेना है। पहलां थोड़ा जिहा पा के उहनूं मिक्स कर लेना है। जदों चंगी तरह मिक्स हो जाए तो रहिंदा पाउडर जिहड़ा है वह भी पा के आपां इहदे विच उहनूं भी मिक्स कर लेना। अपना जिहड़ा घोल आ वह बिल्कुल एवें दा होना चाहिए है। देखो तुसी, बहुत ज़्यादा संघना नहीं होना चाहिए तो ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। जे तुहानू लगता है कि थोड़ा घोल जिहड़ा है थोड़ा टाइट है तो तुसी इत्थे दुध ऐड कर सकते। ध्यान रखना है जिहड़ा दुध आ रूम टैंपरेचर ते होना चाहिए।
मैं तो एक कुकर लै लिया है, उन्होंने गैस के उपर रख लिया है। कुकर दे विच तुसी कोई भी जड़ा है कटोरी वगैरह जां जे थोड़े कोले कटर है कोई तां उन्हूं रख लेना है जिदे उपर आपां केक रखना है। मैं नमक यूज नहीं किया, जेकर चाहते हो तां तुसी इहदे विच नमक भी पा सकते हो। इहदे विच कटोरी मुद्दी मार देनी है मैं, ते जिहड़ा कुकर दा ढक्कण है उहदी आपां सीटी ते उहदी जिहड़ी रबड़ है उह आपां कढ लैनी है, ते कुकर दे उपर ढक्कण लगा के इसनूं 10 मिंट लई प्री हीट करना है। केक बनाने वास्ते मैं केक टिन जिहड़ा है उह रेडी कर लिया है। इहदे विच आपां बटर पेपर लगा लेना है ते थोड़ा जिहा तेल लगा देना है विच, इहनूं ग्रीस कर लेना है। जेकर थोड़े कोले बटर पेपर नहीं है तो तुसी कोई भी शीट लैके उसनूं चंगी तरह दोनों साइड तो तेल दे नाल ग्रीस करके उहनूं यूज कर सकते हो। हुण आपां जिहड़ा घोल रखिया सीगा अपना बना के उह आपां इहदे विच पा देना है। फ्रेंड्स, इस गल दा ध्यान रखना है कि जिहड़ा थोड़ा केक टिन वा उसनूं बहुत ज्यादा नहीं भरना, उसनूं थोड़ा जिहा ऊणा रखना है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੈਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਕੁੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਟਿਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਘੋਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੱਕਰ 'ਤੇ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 35 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਾਂ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 35 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਟਿਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਕ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਕ ਟਿਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਪੌਂਜੀ ਕੇਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੌਕਲੇਟ ਸਿਰਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਕਲੇਟ ਸਿਰਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੀਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਕਰੀਮ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
क्रीम जड़ी है मैं हौली हौली आप उपर सर्कल दे विच रख देनी है। मैं तो स्टार नोजल ली है। डेकोरेशन वास हार्ट शेप चॉकलेट पापा ये ऊपर लगा देती है। नाल ही सेंटर दे विच एक चेरी रख। देखो फ्रेंड्स केक जड़ा है वो अपना बन के तैयार हो गया है। बहुत ही सोहना ते स्वाद केक बन के तैयार होया है। देख के पता ही नहीं लगता कि ये तुसी कुकर विच बनाया है जां सूजी दा केक है। हुण मैं तुहानू कट के दिखावांगी। देखो फ्रेंड्स कट्टन तो ही पता चलन दिया इहदे टेक्सचर। लो फ्रेंड्स अपना ब्लीडिंग सूजी केक जड़ा है वो बन के तैयार हो गया है। देखो यदि ब्लीडिंग जड़ी है वो भी नज़र आ रही है अपन। देख के मुँह चो पानी आ रहा है ना। बहुत ही स्वाद बन के तैयार होया है। तुसी भी घर विच इसे तरीके नाल सूजी केक जड़ा है वो बना के तैयार करना ते मैनू कमेंट बॉक्स विच जरूर दसना कि थोड़ा केक जड़ा है वो किवें दा बनिया। वीडियो देखने वास्ते आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो नू वध तो वध शेयर करो लाइक करो ते अपने चैनल पंजाबी रसोई नू सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भुलना। बहुत जल्दी हाजिर होवांगी एक नवी रेसिपी लेके। तद तक लई रब रखा।